उपलब्ध होंगे 135 करोड़ टीके, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी। देवेंद्र फडणवीस का ऐलान, अगर ओबीसी को नहीं दिला पाया आरक्षण तो छोड़ देंगे राजनीति। अहमदाबाद में पीएम नरेंद्र मोदी आज जैन गार्डन और केजान अकादमी का करेंगे उद्घाटन, भारत जापान के रिश्ते होंगे मजबूत। तमिलनाडु में संक्रमण से एक की गई जान, मध्य प्रदेश में मिले 8 नए मामले। पश्चिम बंगाल में कोलकाता पुलिस ने फर्जी टीकाकरण मामले में आरोपियों पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया। केंद्र ने कहा कोविड-19 से मौतों को दायरे में लाने की कोई योजना नहीं, विचार विस्मर्थन से भी इनकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लद्दाख दौरे पर, सेना की तैयारी की करेंगे समीक्षा। मध्य प्रदेश में रविवार को लगने वाला कर्फ्यू समाप्त, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की घोषणा। कोरोना से जान गंवाने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं को पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा पत्र। दिल्ली में कल से खुल जाएंगे बैंक्वेट हॉल और फिटनेस सेंटर, शादी समारोह में 50 लोगों को इजाजत। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।